फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट से वसूली केस मामला है अनिल देशमुख का। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट रखी और एफआईआर दर्ज कर दी अनिल देशमुख के खिलाफ और अननोन्स के खिलाफ। हालांकि बॉम्बे सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। कल आप लोगों के साथ मैंने एक खबर साझा की थी, मैंने बताया था कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं रिगार्डिंग द एफआईआर डन बाय सीबीआई, राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से उथल पुथल मच गई है महाराष्ट्र में, जिसके चलते लग रहा है कि अब महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है। वजह है, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है महाराष्ट्र सरकार। ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से क्या ऐसा निकल कर आने वाला है जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख बार बार अप्रोच कर रहे हैं, जुगत लगा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ रुख कर लिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ऐसा निकल कर आता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के चलते, जिसके चलते सरकार और अनिल देशमुख दोनों बार बार अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से एफआईआर को क्वाश किया जाए जो कि दर्ज किया गया है सीबीआई द्वारा। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी खबरें आएंगी क्योंकि मामला अभी गर्म है। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।